एक अजीब गरीब दास्तान है कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम भूप्रयान है, जिसे चनूनता के साथ भी जोड़ा जाता है। और मैं उस परिवार में पैदा हुआ जिस परिवार ने चनोत्तर परिवार को आज से 200 साल पहले वहाँ के राजा ने परिवार के जो हमारे बुजुर्ग थे उनको जिंदा चनवा दिया था रामनगर के किले के नीचे जिला उधमपुर। और मेरे पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे। 1968 में 1968 मैं भारत से चला विश्व शांति यात्रा के लिए। 1967 में चला। 1968 में मैं पहुंचा जॉर्डन में और वहां मेरी मुलाकात हुई यासर अरफात से, जो पैलेस्टाइन के हीरो हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई। और उनके जरिए फिर मेरी कर्नल गद्दाफी से हुई, सद्दाम हुसैन से हुई। 35 साल तक हम दोस्त रहे। ये भी ज़िंदगी का एक हादसा है कि इन लोगों से कहाँ मुलाकात हुई, कैसे हुई, यूनिवर्सिटी में हुई, कई लोगों से सड़क पे हुई, कई लोगों से अरब मुल्कों में हुई। इस तरह ज़िंदगी में लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जब मैं पूरे विश्व में घूमा, दुनिया में घूम के आया, बहुत चक्कर लगाया, 5 साल घूमता रहा, 150 मुल्कों में गया। जब मैं वापस आया तो बहुत से लोग पूछते थे क्या सीख गया, बहुत लंबे लंबे सवाल। फिर मैं कई दिन बैठा रहा, 7 दिन मैं अंदर रहा कि जवाब, फिर जवाब मैंने तैयार किया 4-5 लाइनों में, जो मुझे अभी याद है कि मेरा घर हिंदुस्तान है और मेरी मुल्क है ये सारी दुनिया साया कायना, मेरा मज़हब इंसानियत है और मेरी मंजिल है इंसाफ। मैं कहूँगा ये काफला ना था ना है और ना मुझे उम्मीद है कि काफला होगा मेरे साथ, कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है हक इंसाफ से महरूम नहीं होना चाहिए, चाहे वो यासर अरफात की फलस्तीन थी, चाहे सद्दाम हुसैन का इराक था, और चाहे मुलासोविच का जुगोस्लाविया था, और चाहे ये अफ्रीका था, चाहे हमारा मुल्क है, कहीं भी हक इंसाफ की जंग है तो उससे मैं रुका नहीं। यही मैंने ज़िंदगी में सीखा है अपने बुज़ुर्गों से भी। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे दी, या उनको मैंने कहा जिंदा ही दफना दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम राजा की गुलामी नहीं मानेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इंसान एक दफ़ा पैदा हुआ ज़िंदगी में तो वो इंसान गुलाम में क्यों रहे, वो इंसान इंसान इंसानियत के लिए काम करें। तो यही एक ज़िंदगी में फिलासफी जो मेरे साथ है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे इरादे मेरे साथ हैं, मेरे हौसले मेरे साथ हैं, और मेरी मंजिल मेरे सामने है, और मेरी मंजिल है हक इंसाफ।